हमारी बहन बेटियों के अत्याचार पर वाह वाह हो रही है, शर्म करो। और ऐसी कोई घटना भारत में ना हो, बस सरकार भी सुनिश्चित करे और समाज के नाते हम सब मिलकर जागरण करके एक भी हमारी बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार न बने, बस सुनिश्चित करे हमारे देश में बहन बेटियों को स्कूल कॉलेजों मोहल्लों में जाकर सुरक्षा की ट्रेनिंग देना शुरू की है। ट्रेनिंग में बचाओ बचाओ रेल भी दे रहे हैं, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, दबाएंगे तो 2 मीटर का वायर निकलेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, गिर जाएगा, और फिर भी जान पर आएगी तो कटारी दे रहे हैं, वो कटारी उठाएगी। हम भी समाज के नाते अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के बारे में सतर्क है। सभी सरकारें एंटी लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाकर करें, इतना ही मुझे कहना है। एक विषय मणिपुर का चल रहा है, मणिपुर में सैकड़ों हिंदू मारे गए। मेरा कहना है कि मणिपुर सरकार मणिपुर के हिंदुओं की सुरक्षा करने में विफल रही। 25,000 शरणार्थी शिविर में है, कल तक कश्मीर में हिंदुओं का शरणार्थी शिविर था, अब मणिपुर में है। क्या आगे आने वाले समय भोपाल और अहमदाबाद में भी हिंदुओं के शरणार्थी शिविर लगाने पड़ेंगे? इट इज द सेम ऑफ मणिपुर गवर्नमेंट, यू फेल टू प्रोटेक्ट हिंदू इन मणिपुर। हमारी मांग है मरने वाले परिवार को 50 लाख रुपया दो, एक व्यक्ति को सरकार में नौकरी दो, ब्रह्मदेश बॉर्डर पर फेंसिंग करो, सेंट्रल रिजर्व फोर्स बॉर्डर पर लगाओ, सर्च ऑपरेशन करके सभी के हथियार जब्त करो। ये देश में अब तक कश्मीर जल रहा था, हिंदू मर रहा था, अब मणिपुर में भी हिंदू मर रहा है, कल भोपाल में भी मरेगा। ये पूरी देश के लिए, सरकारों के लिए शर्म की बात है। हमें सुरक्षा चाहिए। भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है, उनका कश्मीर मणिपुर कन्हैया उनसे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। प्रेस होने के बाद आपको मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन सरकार ने ये दाग किया, मैंने मेरे दाग रख दी कि केरल फिल्म बन रही, इट इज सेम ऑन अस। ये आनंद की नहीं शर्म की बात है, चुल्लू पर पानी में डूब पड़ना चाहिए। ये देश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, इसलिए आगे ये सी फिल्म ना बने, इसलिए मेरे दो सुझाव हैं। एंटी लव जिहाद कानून बनाओ, डोंट वेट, और जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाकर 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले मुसलमान को 10 साल के लिए जेल में डाल दो। अपना पूछता हूँ।